हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार के नेता चुनावी मोड में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर द्वारा एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका वे छोड़ना नहीं चाहते। रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। अभी पिछले दिनों लालू ने एक ट्वीट किया, बताइए भला कौन मुख्यमंत्री लगातार 85 दिन कैसे जमीन और जनता से दूर रह सकता है। नीतीश देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो विपदा काल में 85 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। सभी सीएम तो जमीन पर काम कर रहे हैं, मीडिया से वार्तालाप कर रहे हैं, बस यही एक कानूनची है, बाकी सब मूर्ख हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों श्रमिकों की वस्तु स्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करने विगत 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो घर से बाहर निकलिए। आखिरकार जब नीतीश कुमार 84 दिन बाद जब अपने सरकारी आवास से कैबिनेट के मीटिंग के लिए घर से बाहर निकले तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि 84 दिन बाद नीतीश कुमार जी घर से बाहर निकले। नीतीश के घर के बाहर न निकलने पर ट्वीट की शुरुआत लालू यादव ने की थी, जिन्होंने ट्वीट किया था, बूझो तो जाने किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना भले न भागल, लेकिन ये मुख्यमंत्री जनता के बीच मझधार में छोड़कर भाग गए। ई रणछोड़ के हिसाब किताब आने वाले चुनाव में सब लोग मिलजुल के ल। नीतीश ने तेजस्वी को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि हमको कहता है बाहर नहीं निकले हैं, लॉकडाउन लागू है पूरे देश में और मुझे कह रहा है नहीं निकला, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा सारा काम कर रहे हैं, खुद कहाँ रहता है, भाग करके इसका कोई ठिकाना नहीं, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं। वहीं लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यदा कदा वे तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। कोरोना के संकट काल में तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्वारंटीन चाचा कहकर संबोधित किया है। आगे कहा है, अब तेजस्वी भी पटना आ गए हैं, हम दोनों भाई मिलकर सीएम नीतीश कुमार पर धावा बोलेंगे और उनके घर जाकर उन्हें नींद से जगाएंगे, उन्हें घर से निकाल कर क्वारंटीन सेंटर भेजना है। तेज प्रताप यही नहीं रुके, कहा, हमारे क्वारंटीन चाचा अभी अपने आवास में गहरी नींद में हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो उन्हें उठा नहीं सकते। वहीं कांग्रेस फिलहाल चुनाव में सीटों के गणित के गुणा भाग में जुटी है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।